हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। छठवासम करने जा रहे हैं हम, और ये हमारा न्यूमरेटर इक्वल टू ए इंटू डेरिवेटिव डिनोमिनेटर प्लस बी के फॉर्म का ये छठवासम है, ठीक है ना। अब इसको कैसे करना है, कैसे किया है, आइए चलिए मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। रूट ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, ये जो आपको दिया हुआ है, इसमें आपको क्या करना मालूम है? आपको ऐसा टर्म मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे जिससे न्यूमरेटर रूट से साइड हो जाए, हट जाए रूट से। तो मैंने क्या किया, x प्लस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि जब x प्लस वन ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ऊपर जब मल्टीप्लाई होगा तब तो वो स्क्वायर हो जाएगा और रूट से बाहर आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे रूट से बाहर आ गया और नीचे जो भी है रूट के अंदर रह गया। अब ये वो फॉर्म में आ गया कि न्यूमरेटर को a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर बट रूट के अंदर का पार्ट ही लेना है प्लस b, ठीक है। सो a इंटू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x, दिस इज 2x प्लस 3 प्लस b, ठीक है। सो अब ब्रैकेट खोलोगे तो हो जाएगा 2ax प्लस 3a प्लस b, और ये है आपका x प्लस 1, ठीक है। अब कंपेयर करना है आपको कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x कंपेयर करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x कंपेयर करना है, तो आपका 2a इक्वल टू 1 एंड 3a प्लस b इक्वल टू 1। सो a इक्वल टू हाफ, एंड वही अगर a इक्वल टू हाफ अगर इसमें डालोगे तो b का वैल्यू माइनस हाफ आता है, ठीक है। सो आपको जो फाइनली जो x प्लस 1 है ना, वो हो जाएगा ये हाफ इंटू 2x प्लस 3 माइनस हाफ, जिसमें हमने a और b का वैल्यू डाल दिया है। अब आपको जो i का वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ हाफ इंटू 2x प्लस 3 माइनस हाफ अपॉन जो भी रूट में है वो लिख दिया। क्यों? क्योंकि आपने ये डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर दिया है i के अंदर। डिनोमिनेटर को स्प्लिट करना है तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, उसके बाद ये हाफ माइनस के साथ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है ना, ये लिखा हमने। फिर हम इसको i1 पकड़ते हैं, इसको i2, बराबर। तो अब i1 आपका क्या है, हाफ ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। पुट करना है आपको यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू t। आपने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, सो 2x प्लस 3 इंटू dx इक्वल टू dt, ठीक है, ये हो जाएगा आपका dt। सो आपका i1 क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट टी डी टी। सो इसको थोड़ा सॉल्व करोगे, इंटीग्रेशन निकालोगे तो रूट टी मिलेगा आपको, और रूट टी का मतलब वैल्यू क्या है, तो उसमें t डालोगे, क्या है t, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये चीज आप इधर डालोगे और आपका i1 खत्म। कंसिडर i2, व्हाट इज i2, कहाँ है i2, ये रहा पूरा का पूरा आपका टर्म जिसको बोलेंगे हम i2, यही हमने इधर लिख दिया। सो हाफ ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx i2 है। अब ऐसे में क्या किया जाता है, आपका डिनोमिनेटर हमने उठा दिया और उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से लिखना है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस, थर्ड टर्म हमने इंट्रोड्यूस किया प्लस 2 जो बचा वो, और माइनस थर्ड टर्म, क्योंकि नलीफाई भी तो होना चाहिए थर्ड टर्म। सो एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक है, अब थर्ड टर्म क्या है आपका, थर्ड टर्म है हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, जिसका मतलब हाफ इंटू 3 द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9/4, ठीक है। सो अब आपका ये जो है ना, ये एक्चुअली बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4 प्लस 2 माइनस 9/4, और ये हो जाएगा, अगर आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड से सॉल्व करोगे अलग से ना, तो आप देखोगे ये है एक्स प्लस 3 बाई 2 द होल स्क्वायर प्लस 4 टू द 8 माइनस 9 अपॉन 4 विच इज माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, का स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर नहीं, का स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 द होल स्क्वायर। यही चीज रूट के अंदर जो है ना, इसके पास डाल दूंगा, तो i2 लेके 1 अपॉन रूट ऑफ ये लिखा मैं ये टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 द होल स्क्वायर। बट ये किस फॉर्म में है, इट इज 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। सो ये फॉर्मूला है लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। सो ये हो जाएगा हाफ ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी टू, मतलब एक्स प्लस 3 बाई 2 अपना एक्स है, प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, घुमा फिरा के
यही रूट वाला आपको लिखना है, ठीक है। वो आने के बाद आपका इसका सी जो है वो सी टू है, फिर बाद में आप आई इक्वल टू आई वन माइनस आई टू है जो, उसमें आई वन का वैल्यू डालोगे और माइनस आई टू करोगे तो सी वन माइनस सी टू एक टर्म आता है इधर, सी वन माइनस सी टू एक टर्म आता है, उसको आप एक नया टर्म लिखो सी। सो उसके बाद फाइनल आंसर आप लिखो। आई होप दोस्तों आपको ये मेरा सम अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप फ्रीली मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं कोई तरीके से, मैं ट्राई करूँगा आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने का, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को अपने शेयर करिए वीडियोस, लाइक करिए मेरे वीडियोस और मुझे हेल्प करिए आगे बढ़ने में। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।